हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी इनकमिंग कॉल को कैसे बंद कर सकते हैं और अपनी कॉल को दूसरे नंबर पर कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं या किसी और की कॉल को अपने नंबर पर कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको ये सारी डिटेल बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है हरपाल सिंह, मैं आज आपका फिर से बात करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल हरपाल पे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक नंबर डायल करना होगा। दोस्तों आपको डायल करना होगा *21*। तो दोस्तों, जिस जैसे कि आपका अगर कोई नंबर बंद है तो दोस्तों आपने सिंपली से यहाँ पे वो नंबर डाल देना है इसके आगे। तो दोस्तों, आप जैसे ही इसे डालोगे तो दोस्तों इससे होगा क्या कि आपकी कॉल दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो जाएगी जो आपका नंबर बंद है, जिससे होगा क्या कि अगर आपको कोई व्यक्ति कॉल करेगा तो दोस्तों आपकी, क्योंकि आपकी कॉल दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो गई है जिस जो आपका नंबर बंद है, तो दोस्तों आपकी इनकमिंग कॉल आपको नहीं आएगी क्योंकि आपका वो नंबर ही बंद है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है कि आप अगर अपनी कॉल को दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जैसे कि आपका अगर कोई और नंबर है तो दोस्तों आपने वो यहाँ पे नंबर डाल देना है। जैसे ही दोस्तों आप पे यहाँ पे नंबर डालोगे तो दोस्तों आपने वो मिला देना है। जैसे ही आप मिलाओगे तो आपकी कॉल दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो जाएगी। तो दोस्तों, तीसरा भी यही है कि अगर आपको दूसरे के नंबर की कॉल अपने नंबर पर फॉरवर्ड करनी है तो आपको यहाँ पे दूसरे के फ़ोन से आपको ये नंबर डायल करना होगा और आगे आपको अपना नंबर डाल देना, जिससे कि जिससे होगा क्या कि आपको उसकी कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आप सारी ट्रिक आजमा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकमिंग कॉल भी आनी स्टार्ट हो जाए और आपकी कॉल फॉरवर्डिंग भी बंद हो जाए, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक नंबर डायल करना *21#। तो दोस्तों, आपने जिस भी सिम से आप मिलाना चाहते हो उस सिम से आपने मिला देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसे मिला दोगे तो दोस्तों आपकी कॉल फॉरवर्डिंग बंद हो जाएगी, आपको इनकमिंग कॉल भी आने लग जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप अपने नंबर से कॉल फॉरवर्डिंग बंद करना चाहते हो तो दोस्तों आपने सिंपली से ये जो नंबर है ये डायल कर देना है और आपकी कॉल दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड नहीं होगी और आपको कॉल भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आपके लिए कुछ ट्रिक्स थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरी वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।